तो गाइस आज के इस वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज का दोस्तों जो वीडियो है स्मूथ स्किन टोन के ऊपर होने वाली है। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो गाइस आपको इस वीडियो में काफी स्मूथनेस देखने को मिल रहा होगा। फेस में आप अगर देखो तो स्मूथ दिखेगा, बॉडी पार्ट देखोगे तो आपको स्मूथ दिखेगा। तो गाइस आप भी अगर अपने वीडियो को इस तरह से स्मूथ बनाना चाहते हो और भी दोस्तों मोबाइल से, क्या बोला तूने, ठीक है, वन क्लिक के माध्यम से आप अपना वीडियो को इस तरह से स्मूथ बना सकते हो। तो गाइस ये वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो का हर एक पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप किसी भी पार्ट को मिस करोगे तो फ्रेंड्स आपका वीडियो स्मूथ तरीके से नहीं बनेगा। सो गाइस आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 1K लाइक इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ, इसलिए दोस्तों मेरा फेस में स्माइल आ गया, ठीक है। 1K लाइक आप कर दीजिएगा। बाकी साथियों चलिए मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको वहां पर दिखाता हूँ कैसे दोस्तों आपको अपने वीडियो का स्किन टोन को स्मूथ बनाना है। तो गाइस आप भी अगर अपने वीडियो को यानी वीडियो में फेस को या फिर पूरे बॉडी पार्ट्स को स्मूथ बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहां पर गाइस आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट का लिंक मिलेगा। आपको उसी वाले पोस्ट के अंदर मीटू ऐप का लिंक मिलेगा, आपको दोस्तों मीटू ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं गाइस यहाँ पर ऐप को इसीलिए रिसेट किया हूँ ताकि गाइस आपका जो देखने का एक्सपीरियंस है वो बढ़िया से रहे। अब फर्स्ट टाइम आप जैसे मीटू ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर अलाउ कर देना होगा। तो देख सकते हो दोस्तों मीटू का जो फर्स्ट इंटरफेस है कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद आप यहाँ पर जिस भी वीडियो को अपना स्मूथ यानी फेस को स्मूथ बनाना चाहते हो उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको दिखाने के लिए सोना देकर ये वाला वीडियो को मैं सिलेक्ट किया हूँ। आप गाइस यहाँ पर वीडियो को एक बार देख लो, वापस गाइस मैं जब भी एडिट करके दिखाऊंगा तो आप खुद इसका डिफरेंस आप देख पाओगे। तो वीडियो गाइस यहाँ पे उतना स्मूथ नहीं लग रहा है। अब आपको वीडियो को स्मूथ बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को प्ले करना होगा, देन वीडियो में किसी अच्छे जगह पे आप यहाँ पे चले जाइएगा जहाँ पर आपका बॉडी पार्ट पूरा दिखता हो। जाने के बाद साथियों अभी आपको यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो कुछ इस तरह का आएगा, सो गाइस इसको आपको इग्नोर कर देना है। अब आप यहाँ पे नीचे में अगर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इमेज क्वालिटी रिपेयर का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हो तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा ये वाला चीज। अगर नहीं देखे हो इसी वाले वीडियो को देख रहे हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इमेज क्वालिटी रिपेयर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे HD हो रहा है, देन गाइस ये भरेगा भी पूरा, ठीक है। जब तक ये फुल नहीं हो जाता तब तक गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो मैं गाइस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो इमेज क्वालिटी है कितना बढ़िया से यहाँ पे रिपेयर हो गया है। बिफोर में आप कैसा दिखे थे और अब गाइस आफ्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट मेरा बढ़िया हुआ है स्मूथ तरीके से। अब गाइस फिर भी अगर आपको ये वाला स्मूथनेस पसंद नहीं रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पहले ओके करना है। अब आपको यहाँ पे ये जो 3 डॉट दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर गाइस आप 1080 कीजिएगा और फ्रेम रेट को 30 में रख के यहाँ पर बैक करके आपको जो वीडियो आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा। अब देख सकते हो जो वीडियो मैंने बनाया है वो फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो उसी वाले वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस ये रहा देख सकते हैं मैंने जो वीडियो अभी बनाया है। अब वापस से गाइस मैं यहाँ पे किसी ऐसे जगह पे जाता हूँ, जाने के बाद वापस से मैं यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इमेज क्वालिटी रिपेयर वाले ऑप्शन पे वापस से मैं क्लिक करूँगा। जब दोस्तों मैं इसको दोबारा से यहाँ पर इमेज क्वालिटी रिपेयर करूँगा तो गाइस और भी बढ़िया से ये स्मूथ तरीके से करेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके देख लेता हूँ कैसा मेरा यहाँ पर आता है। तो गाइस सेकेंड टाइम में यहाँ पे स्मूथ होने में थोड़ा सा ये टाइम लिया, उसके बाद आप यहाँ पे देख दो कितना बढ़िया से यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथनेस आ चुका है वीडियो पर। अब दोस्तों आप यहाँ पे ओके प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लड़की हो तो फ्रेंड्स आपके पास कई सारे ऑप्शन है, उसके लिए गाइस आप यहाँ पे वीडियो रिटचिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पर आप मेकअप वाले ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आईज का जो शेडो है उसको गाइस आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर शेडो आ गया है, पहले क्या था नॉर्मल था, अब देख सकते हो कितना बढ़िया से यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा और दिखाऊं तो लिपस्टिक है, ठीक है। यहाँ पर गाइस जिस भी कलर का आप लिपस्टिक को लगाना चाहते हो उसको आप लगा सकते हो। यहाँ पर गाइस आप लिपस्टिक का जो साइज है, सॉरी जो कलर का
ब्राइटनेस हो आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे जो भी गाइस अपने हिसाब से रखना चाहते हो उसको दोस्तों आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो मैं गाइस यहाँ पे कौन सा रखूँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है यार, जो पहले वाला था ना उसी को रख देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लिया है। अब कई सारे गाइस आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, आप चाहे तो आईब्रोज को भी गाइस आप यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हो। देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर लग रहा है, मतलब अगर लड़की हो तो गाइस आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, और आप अगर बॉयज़ हो तो इन सारी चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हो। तो मैं गाइस उतना सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कितना बढ़िया से अभी यहाँ पर वीडियो लग रहा है। तो गाइस इस प्रकार से बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप अपनी नॉर्मल से वीडियो को गाइस आप इस तरह का रिटचिंग देके बहुत ही स्मूथ तरीके से और शानदार वीडियो बना सकते हो। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, और वीडियो को सेव करने के लिए गाइस अब आप पूरा क्वालिटी में सेव कीजिएगा, ठीक है। मेरा पूरा क्वालिटी का मतलब है यहाँ पर 3 डॉट पर पहले क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पर 1080 में जाना होगा और फ्रेम रेट को 60 में रख के आप यहाँ पर बैक कीजिएगा। उसके बाद सेव करके अपना जो वीडियो इसको गैलरी में आप सेव कर लीजिएगा। तो यार आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हो ना, बिल्कुल भी यार व्यूज़ नहीं है, तो इन दोनों जगह पे क्लिक करके आप मेरे लेटेस्ट दो वीडियो को देख सकते हो, और बीच में आपको सब्सक्राइब वाला बटन भी दिख रहा होगा। अगर आप फ्यूचर में मेरा एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के टाइटल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।